तो कैसे हैं आप? मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि आप पार्टी में किस तरह से मेकअप कर सकते हैं, वो भी सांवली स्किन पर, और डार्क सर्कल को किस तरह से छुपा सकते हैं आप मेकअप के जरिए। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, डार्क सर्कल का एरिया बहुत ब्लैक होता है, बाकी की स्किन क्लियर होती है, तो डार्क सर्कल एक घंटे बाद क्लियर दिखाई देने लगते हैं और मेकअप भद्दा लगता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने डार्क सर्कल छुपा सकते हैं। 8 से 10 घंटे 12 घंटे मेकअप आपका बहुत अच्छे से चलने वाला है, बिल्कुल कहीं भी हिलने वाला नहीं है, पसीने में भी नहीं हिलने वाला है। मैं आज आपको वाटरप्रूफ मेकअप दिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेकअप का तरीका पसंद आता है, मेकअप पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अच्छे से आप फेस को धो लीजिए। फेस को धोने के बाद आपको क्या करना है, आपको मेन चीज़ मेकअप के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ, मेन चीज़ होती है प्राइमर। लेकिन प्राइमर आपको जब आप प्राइमर लगाओगे तो फेस को अच्छे से सुखा लीजिए, बिल्कुल गीले में आप अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो चिपचिप पैदा हो जाएगी। तो मैं आज आपको बहुत ही अफोर्डेबल कम रेट का मेकअप बता रही हूँ, ओनली 50 रुपये में आप मेकअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं ले रही हूँ ये टिनटिन का प्राइमर है, ये करीब मैं सेल मार्केट से लेके आई थी, 65 रुपये का आ गया था। तो मैं आपको 50-60 के लमसम मेकअप बताऊंगी, इसी रेंज के सारे प्रोडक्ट बताऊंगी आपको और उसका मेकअप बताऊंगी। 100 रुपये में आप अपना पार्टी लुक बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्राइमर को आपको किस तरह से लगाना है, प्राइमर की आप क्वांटिटी ले लीजिए, उसके बाद आपको डिप डिप करके पूरे फेस पर फैला लेना है, और डार्क स्किन जो डार्क सर्कल है आपके वहाँ आप अच्छे से लगा लीजिए। गर्दन से स्टार्ट कीजिए आप लगाना, कि गर्दन का कलर आपका अलग नहीं दिखे, और आप अच्छे से इसको फैला लीजिए। आज गर्मी बहुत है तो क्या होता है कि गर्मियों में मेकअप टिकता नहीं है, बहुत कम टिकता है। मेन चीज़ क्या है, मेकअप टिकाने के लिए आप प्राइमर का यूज़ करें। अगर आप अच्छा ब्रांड का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं तो आपका मेकअप बिल्कुल टिकने वाला है। मैंने टिनटिन का मेकअप लिया है जो अफोर्डेबल भी है और काफ़ी अच्छा है। मैं आपको पार्टी मेकअप बताऊंगी लेकिन एक बहुत सिंपल तरीके से। देखिए आप प्राइमर से कितना फिनिशिंग आ जाता है, देखिए। उसके बाद आपको डार्क सर्कल पर लिक्विड पैनकेक लगा लेना है। अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको मैं मार्केट से लाई थी मार का 150 का पैनकेक प्लेट है, और इसमें इतने सारे कलर आते हैं, आपका 5 रुपये का खर्चा भी नहीं है। अगर आप एक बार का मेकअप करते हैं तो 5 से 7 रुपये का खर्चा आएगा, वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि इसमें इतने कलर हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपके डार्क सर्कल के, देखिए इधर एक ग्रीन कलर दे रखा है, इसको क्या करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए और इसको आप अच्छे से दबा लीजिए। आपके डार्क सर्कल एकदम छुप जाएंगे और काफ़ी मेकअप आपका टिका रहेगा। डार्क सर्कल जब तक आप मेकअप धोएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, जब तक आपका मेकअप बिल्कुल जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें आपका ब्रॉन्ज कलर दे रखा है, आप इसको अपने डार्क सर्कल पर अप्लाई कर लीजिए। ग्रीन कलर था,
ब्राइटनेस दिखाने के लिए था, और ये जो कलर है वो आपके डार्क सर्कल सेट करने के लिए है। तो आप इस तरह से हल्का हल्का लगा लीजिए अपने डार्क सर्कल के नीचे, जहाँ जहाँ आपके डार्क सर्कल हैं आप वहाँ वहाँ लगा सकते हैं, और आप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। आप वाटरप्रूफ मेकअप कर रहे हैं तो आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा गीला कर लेना है और उसको अच्छे से निचोड़ के थपथपाना है, तो आपका वाटरप्रूफ मेकअप हो जाएगा। फिर आपको सूखा बिल्कुल नहीं लगाना है, आप इसको हल्का सा गीला कर लीजिए। ये देखिए, उसके बाद आती है फाउंडेशन की बारी। आप फाउंडेशन आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो आपके पास हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज बहुत कम रेट का फाउंडेशन बता रही हूँ, तो मैं आपको ओले का फाउंडेशन है, ये करीब 180 रुपये का पड़ता है, 170-180 इसी तरह से पड़ता है, और इसकी बहुत कम क्वांटिटी लगती है। तो बहुत मतलब आपको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी है, अगर आप गर्मियों का मेकअप कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटी कम रखनी है। देखिए मैंने कितनी सी कम क्वांटिटी ली है, और आप इसमें हल्का सा मॉइस्चराइजर ऐड कर लीजिए, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो कर सकते हैं। अच्छे से मैश करने के बाद आप डॉट डॉट करके फेस पे लगा लीजिए। अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अब आपको क्या करना है, ये पैनकेक है, मैं ओलिविया का ले रही हूँ, ये करीब 80-90 रुपए का आता है, आप किसी भी दुकान से ले सक परचेज कर सकते हैं। आपको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके अपने नंबर के हिसाब से ले लीजिए। मेरा स्किन थोड़ा सांवला है तो मैं नंबर 3 यूज़ कर रही हूँ, जैसा आपका कलर हो आप नंबर के हिसाब से लीजिए, क्योंकि आप नंबर के हिसाब से लेंगे तभी आपका मेकअप अच्छा बैठेगा। अगर आप नंबर सही से चूज़ नहीं करेंगे तो आपका मेकअप बहुत अलग और भद्दा दिखेगा। अगर आपकी सांवली स्किन है तो आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका फेयर कलर है तो आप नंबर 2 यूज़ कर सकते हैं। मेरा कलर थोड़ा सा सांवला है तो मैं नंबर 3 यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से पैनकेक अप्लाई कर लिया। आप बिल्कुल फेस को रगड़ के पैनकेक ना लगाएं, आपको बहुत हल्के हाथ से पैनकेक लगाना है। मैंने आपको बताया कि आपने पहले फाउंडेशन लगा लिया, उसके बाद आपने पैनकेक लगा लिया, तो अंदर आपको मॉइस्चराइज़र भी मिल गया और अब आपने पैनकेक लगा लिया है। देखिए अच्छे से मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ पार्टी मेकअप करने का, कि आप किस तरह से पार्टी मेकअप कर सकते हैं। उसके बाद आप हल्का सा, क्योंकि पैनकेक ड्राई हो जाता है तो आप थोड़ा सा फाउंडेशन और ले लीजिए, और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से आप लगा लीजिए। मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी जहाँ मुझे लगेगा कट करने की ज़रूरत है वहीं कट करूँगी, बाकी मैं आपको सारा मेकअप दिखाऊँगी आज की, आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप किस तरह से कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है वो बिल्कुल भी रगड़ के नहीं चलाना है। ये देखिए मेरा बेस रेडी हो गया है,
आपका बेस रेडी हो गया है, इसको थोड़ा आप सूखने दीजिए जब तक आप आईब्रो पेंसिल लगा दीजिए। बहुत लाइट लाइट पेंसिल लगाइए। मैं ये सिंपल काजल है, ₹10 की डब्बी में आता है, मिलाप का है फ्रेंड, अच्छा है। मैं इसको यूज कर रही हूँ। उसके बाद आप आईब्रो हो गई, उसके बाद आप काजल लगा लीजिए। सबसे पहले तो आप आई शेड लगा लीजिए, आई शेड बहुत कम लगाइए। अगर हैवी पार्टी है तो ठीक है। ये देखिए मैं लगा रही हूँ गोल्डन कलर का सिंपल सा, क्योंकि मैंने ड्रेस मैंने ड्रेस रामा कलर की पहन रखी है और मैंने इस पे गोल्डन कलर का चुन्नी ओढ़ रखा है, तो मैं हल्का सा गोल्डन टच लगाऊंगी। मैंने कल ब्रशेस मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, मैं आज उससे आपको लगाकर दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छे ब्रशेस हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। गोल्डन कलर दोनों आईज में लगा लीजिए। ये आई शेडो का किट लेके आई हूँ, ₹160 का है फ्रेंड, काफ़ी अच्छा है। मैं इसमें से पिंक कलर ले रही हूँ और हल्का सा आईब्रो के नीचे टच कर दूँगी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, आप घर बैठे हुए आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने पर आप आसानी से लगा सकते हैं। यह गोल्डन कलर लगा लिया है, ऊपर हल्का सा मैंने पिंक दे दिया है, इस पर आप हाईलाइट लगाएंगे तो बहुत सुंदर आईज दिखाई देंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का लाइनर, ओनली ₹50 का आता है और काफ़ी अच्छा रहता है, और आपको अच्छे से लाइन लगानी है। दूसरी आईज में लगा लेंगे, आईलाइनर लगा लिया है और आप नीचे का आईलाइनर भी लगा सकते हैं। अगर नीचे का आईलाइनर आप लगाइए, आपको अगर अपनी गोल आईज दिखानी है तो आपको क्या करना है, आपको आधी आईज में लगाना है, वो मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। और जो आपने पैनकेक और फाउंडेशन लगाया था वो काफ़ी सेट हो गया है। अब आप इस तरह का एक ब्रश ले लीजिए और इसको बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे उसके बाद आपको फेस पाउडर लगा लेना है। आप वो भी आपके नंबर के हिसाब से लगाना है। आप फेस मैं
मैं ये 3 नंबर का ले रही हूँ क्योंकि मैंने फाउंडेशन 3 नंबर का ही लिया था। तो आप इसको अच्छे तरीके से कंटोरिंग करना नहीं बताया है क्योंकि मुझे मेरा फेस ऑलरेडी लंबा है तो वो मुझे ज़्यादा लंबा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने अच्छे से फेस पाउडर अप्लाई कर लिया है। अब आपको एक बार वापस ब्रश लेना है और अच्छे से अपने फेस पाउडर को भी सेट कर लेना। के बाद आती है लिपस्टिक की बारी। तो आप सबसे पहले लिपस्टिक की ये 10 रुपये की आती है और ये 40 रुपये की भी आती है। तो ये लोकल है, 10 रुपये की 15 रुपये की ऐसे ही आती होगी। तो आप इससे आउटलाइन लगा लीजिए। सबसे पहले तो आप ये शेप बना लीजिए इस तरह से। आप इसमें कोई भी लिपस्टिक भर सकते हो अपनी पसंद की, आप जो चाहें। मैं ये 65 रुपये की लिपस्टिक है फ्रेंड, मैं ख़रीद कर लेके आई हूँ। 65 की है, मेड इन चाइना है। तो चलिए मैं आज आपको इसको ही लगा कर दिखाती हूँ क्योंकि मैं आपको अफोर्डेबल मेकअप बता रही हूँ। तो लिपस्टिक भी मैं बहुत सस्ती खरीद कर लाई हूँ। फ्रेंड मैंने लिपस्टिक के ऊपर हल्की सी वैसलीन लगा ली है जिससे मेरे होंठ मॉइस्चराइज भी हो जाएंगे और मैंने जो लोकल लिपस्टिक लगाई है वो भी असर नहीं होगी। आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर निकल कर आ गया है। आपका बेस रेडी है, आईलाइनर रेडी है, आई शेडो रेडी है और लिपस्टिक भी रेडी है। अब आपको क्या करना है, आपको हल्का सा ब्लशर यूज़ करना है। तो आप ब्लशर कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं इसके ही साथ किट के साथ एक पिंक कलर का ब्लशर आया है। आप हाइलाइटर यूज कर लीजिए। हाइलाइटर बहुत जो कम ब्रांड के होते हैं वो अच्छे नहीं आते हैं। तो मैं होममेड है ये, इसको मैं यूज करके आपको दिखा देती हूँ। और आप टिन पर लगा लीजिए। थोड़ा सा नोज को भी यूज़ कर लीजिए और हाइलाइटर आपके इससे कि पैन जो पिंक कलर लगा रखा है वो आपका डायरेक्ट नहीं दिखेगा।
सिल्वर कलर में मिक्स हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगता है रेड पिंक। चलिए मेकअप रेडी है। जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे आपके मेकअप में ग्लो आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेकअप करते हैं तो बहुत हैवी लगता है। मेरे मेकअप को करीब 2 घंटे हो गए हैं तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे शाइन आने लगी है, सेट हो गया है बहुत अच्छे से, यानी कि मैं प्रोग्राम में जाने के लिए एकदम रेडी हूँ। तो आप देख सकते हैं मेकअप एकदम, जो मेकअप करने के बाद मेकअप लगता है ऐसा लगता है बहुत हैवी कर रखा है, लेकिन थोड़ा टाइम मेकअप के लिए चाहिए होता है जिससे कि वो सेट हो जाता है। सेट होने के बाद जिस तरह से टाइम गुजरता है फ्रेंड मेकअप में, उस तरह से ग्लो स्टार्ट हो जाता है। अब ये मेरा वाटरप्रूफ मेकअप है, आराम से 10 घंटे निकालेगा। बिंदास होके आप डांस कीजिए, इंजॉय कीजिए पार्टी में, मेकअप आपका कहीं भी नहीं जाने वाला। तो सीख लिया आज आपने वाटरप्रूफ मेकअप।